सरोगेसी एक तरह का थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन होता है, मींस यूट्रस किसी और का, वूम जिसको आप कोख बोलते हो वो किसी और की, अंडे किसी और के और शुक्राणु किसी और के. अंडे मींस एग एंड शुक्राणु मींस स्पर्म, मींस हस्बैंड वाइफ और सरोगेट, या फिर आप बोलो तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक हो और उसका डोनर लगा हो एंड सरोगेट. सरोगेट का कभी भी डीएनए बेबी से मैच नहीं होता है. एंड अगर दोनों ही डोनर्स हैं, मींस अगर डोनर एग और डोनर स्पर्म है तब भी सरोगेसी नहीं हो सकती है, बिकॉज जेनेटिकली एक पेरेंट का डीएनए सरोगेट से मैच होना मैंडेटरी है. अब बात करते हैं सरोगेसी की, सरोगेसी होती क्या है. सरोगेसी एक तरह की कोख आप किसी की किराए पे ले रहे हो वो होती है. सरोगेसी दो प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी. ट्रेडिशनल सरोगेसी का मतलब होता है कि यूट्रस भी उसी का और एग्स भी उसी के, और ये इलीगल है इंडिया में. मतलब अगर आप सरोगेसी का केस करा रहे हो तो आप आईयूआई नहीं करा सकते हो, बिकॉज इस तरह की पेशेंट्स अक्सर आते हैं, उनकी क्वेरी होती है कि सरोगेट में आईयूआई कर दो, वो लीगल नहीं है, इट इज इलीगल. सेकेंड होती है जेस्टेशनल सरोगेसी. जेस्टेशनल सरोगेसी मींस कि आईवीएफ हुआ है सरोगेट में, मींस उसके एग नहीं यूज हुए हैं. मतलब आप सरोगेट का ही एग पिकअप करके उसी को एज अ डोनर बना के भी नहीं यूज कर सकते हो. इट हैज टू बी थ्री पीपल, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन. दूसरी चीज इस पे आते हैं कि सरोगेसी किसको करानी पड़ती है, किसको सरोगेसी कराने की नौबत कर पड़ती है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बहुत सारी फीमेल्स ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं और जो कंट्रोल नहीं होते हैं, उनके केस में भी जब प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है तो वो सरोगेट यूज कर सकते हैं. उस केस में वो अपना एग रिटेन करते हैं, अगर उनके एग अच्छे होते हैं तो जेनेटिकली बेबी उनका होता है. इससे पेशेंट को बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि बच्चे से डीएनए उनका मैच करता है कपल का. सेकेंडली, जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बार आईवीएफ करा चुके होते हैं एंड उनको सरोगेट, उनको मतलब प्रेगनेंसी नहीं आती है, उस केस में या तो कभी कभी एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम होती है या कभी कभी अनएक्सप्लेन रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर होता है. रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के भी केस में हम सरोगेट हायर करते हैं एंड पेशेंट को कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी हम सरोगेट हायर कर लें सो दैट एटलीस्ट पेशेंट के अपने एग्स बच जाएं. बिकॉज अगर आपने मल्टीपल उसका पिकअप कर लिया हो तो एग ही खत्म हो जाते हैं. उस केस में बेचारा वो पेशेंट जो कपल होता है वो सरोगेट भी लेता है लेकिन वाइफ के एग नहीं रिटेन कर पाता है. तो ये एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट को कॉल लेना बहुत जरूरी होता है कि कब तक हम उसकी वाइफ में ट्रांसफर करें और कब हम सरोगेट में आए. थर्डली, आजकल ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको कंजनाइटल एनोमली रहती है बचपन से और उनमें यूट्रस ही नहीं प्रेजेंट होता है. तो जिनको यूट्रस ही नहीं प्रेजेंट होता, शादी तो हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, बाद में पता चलता है कि यूट्रस ही नहीं था, उनके केस में भी हम एक सरोगेट हायर करके उसमें ट्रांसफर करते हैं और पेशेंट को मां का सुख प्राप्त हो सकता है. बिकॉज अगर सरोगेट का एग अगर आपने यूज किया तो डीएनए तो सरोगेट से मैच करेगा बच्चे का एंड दैट इज इलीगल. आप उसको सोचो, एक तरह से जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो ठीक बनाया है, क्योंकि उससे तो सरोगेट को उससे इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है कि वो उसका खुद का बच्चा है. फिर खुद का बच्चा तो कोई किसी को ऐसे डोनेट नहीं करेगा, इसलिए वो बेटर है, क्योंकि सरोगेट को भी पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो बच्चा उसके कोख में पल रहा है वो उसका खुद का बच्चा नहीं है. जेनेटिकली द चाइल्ड इज नॉट हर्स, शी इज जस्ट अ कैरियर फॉर दैट बेबी. वो 9 मंथ्स के लिए शी हैज टू जस्ट कैरी द बेबी एंड देन डिलीवर द बेबी.